subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. असम की लवलीना बोरगोहाई को हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स वुमेन 69 केजी वेल्टरवेट बॉक्सिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मिला और इसी दौरान इंटरनेट में काफी बार सर्च किया गया कि उनका रिलीजन क्या है। लवलीना बोरगोहाई असम से है और वो अहोम है और हिंदू भी। इन तीन आइडेंटिटी मार्कर्स के बारे में और अहोम हिस्ट्री और हिंदुइज्म के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ नॉर्थ ईस्ट पर नज़र में। अहोम्स ने असम के ऊपर 600 साल तक राज किया। 600 साल की हिस्ट्री एक एपिसोड में बता पाना मुश्किल ही नहीं, अनफेयर भी होगा, इसलिए हम एक ही एरिया पे फोकस कर रहे हैं। असम या अहोम नाम भी शायद उन्होंने ही इस राज्य को करीब 1228 ईडी में दिया। असम स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट में लिखा है कि हालांकि इस बात पे कोई पुख्ता सबूत या रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन असम वाला नाम शायद पुराने अहोम का ही अंग्रेजीकरण है बस। अहोम साम्राज्य असम के हिस्ट्री का एक सुनहरा पन्ना है। अहोम साम्राज्य को स्थापित किया था साउलोंग सुकाफा, जो शान डायनेस्टी के एक राजकुमार थे और पाटकाई माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए असम आए थे। अहोम साम्राज्य का अंत हुआ बर्मिज इन्वेजन के बाद और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई 1826 के यानाबू ट्रीटी के अनुसार असम को ब्रिटिश राज में एनेक्स कर लिया गया। वो अपने नियम कानून और धर्म को ही मानते थे। कहा जाता है कि अहोम राजा सुदानफा या बामुनी कोर के दौरान ही अहोम कोर्ट में हिंदुईकरण शुरू हुआ। दिगंत कुमार शर्मा की ऐसे बताती है कि बामुनी कोर नाम सुदानफा को दिया गया क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और उन्होंने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया। बामुनी कोर का मतलब है ब्राह्मण राजकुमार एंड एसमीज में ब्राह्मण को बामुन कहा जाता है। कृतज्ञता के तौर पे सुदानफा ने हिंदुइज्म को अपना लिया और अपने राज तिलक का भी आयोजित करवाया। उन्होंने अपने फॉस्टर फादर को अपने एडवाइजर के तौर पे भी रखा। इसके बाद राजा सुहुंगमुंग के टाइम पे उन्होंने स्वर्गदेव या स्वर्ग नारायण का टाइटल लिया। इसके बाद ये अहोम राजाओं का ऑफिशियल टाइटल बन गया और वो अपने अहोम टाइटल के साथ साथ इसे भी इस्तेमाल करने लग गए। सुहुंगमुंग के टाइम पे ही बुरोंजी लिखने का प्रोसेस भी शुरू हुआ। ये बुरोंजी एसमीज में लिखी गई जो कि वहाँ के लोकल हिंदूज की भाषा थी। बुरोंजी में अहोम राजाओं के ब्राह्मण जड़ों के बारे में भी लिखा गया। इसी दौरान असम में श्रीमंत हंकरदेव ने नव वैष्णव या नियो वैष्णवाइट मूवमेंट की शुरुआत भी हुई, जो हिंदुइज्म को एक जोड़ में बांधने की कोशिश कर रहा था सांप्रदायिकता और कास्ट सिस्टम को एक किनारे करके। जयध्वज सिंघा पहले राजा बने जिन्होंने ब्राह्मिनिकल वैष्णविज्म को अपनाया और पहले राजा बने जिन्होंने हिंदुइज्म को राजधर्म भी बनाया। इसके बाद वाले स्टेज में राजा रुद्रोहिंगो ने हिंदुइज्म के सक्तिज्म को प्रधानता दी और हिंदुइज्म अहोम साम्राज्य के पीक पर पहुंचा राजा हिवोहिंगो और उनकी प्रमुख पत्नी फुलेश्वरी देवी के टाइम पे। हिवोहिंगो ने बंगाल के एक ब्राह्मण पंडित से अपना राज तिलक करवाया और असम के मशहूर शक्त मंदिर कामाख्या का दायित्व भी उनको दिया। फुलेश्वरी देवी के आदेश पे ही शिवसागर, जो कि अहोम राज्य का कैपिटल था, में तीन फेमस मंदिर बने, एक शिव मंदिर, एक गौरी मंदिर और एक विष्णु मंदिर। अमलेंडु गुहा अपने एसे द अहोम पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट फॉर्मेशन प्रोसेस इन मिडिएवल असम में लिखते हैं कि बोरगोहाई अहोम शासन के तीन मंत्रियों में से एक हुआ करते थे और ये एक परिवार का शीर्षक थे। बाकी दो टाइटल है बुरागोहाई और बोरपाट्रागोहाई। अहोम राजाओं की हिंदुआइजेशन पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक मूव भी थी जिससे वो लोकल्स के साथ मिलकर एक सशक्त राज्य बना सके। और हिस्ट्री के पन्नों में याद रखा जाए कि अहोम्स ने मुगलों को भी हराया था। हिंदू धर्म एक अलग संप्रदाय को अपनाने का नतीजा यही है। आज हिंदू एसमीज आइडेंटिटी एक कंपोजिट आइडेंटिटी है जहाँ कीर्तन और पूजा दोनों माना जाता है और इसका श्रेय जाता है अहोम साम्राज्य को। मेरा नाम टीना दास है और अगर आपको इस सीरीज़ का पहला एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करें। थैंक यू।